because of the ongoing these honor killing cases and all, we have Dhanak has drawn a lot of attention, and through which we are contacted by on an average 2 to 3 couples per day. That is the kind of need that we are identifying, and it is increasing day by day. Dhanak in Urdu means rainbow, and we believe that rainbow has its own identity, but it also has all the different colors. We appreciate diversity, we accept diversity as it is. पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को देख करके एक चीज़ तो ये हो रही है कि ज़्यादातर कपल्स जो हैं अब स्पेशल मैरिज एक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज को, क्योंकि एक कानूनी वैधता उसको प्रोवाइड करना देना चाहते हैं. एक तो ये है. दूसरा, हाँ, ये दबाव है क्योंकि लोग जो हैं इस चीज़ को देख रहे हैं कि इस तरीके की वारदात बढ़ रही हैं, ऑनर क्राइम हो रहा है, तो उसका एक डर तो है, जोड़ों में डर है, और इसलिए वो ज़्यादातर ऐसे संगठन या संस्थाओं को ढूंढ रहे हैं. ज़्यादातर लोग उसको कोर्ट मैरिज के नाम से जानते हैं, लेकिन वो कैसे, कहाँ होगी, क्या प्रोसेस होगा, उसकी जानकारी नहीं है. हम धनक वेबसाइट के थ्रू हमें पता लगा, आसिफ जी का नंबर मिला, एंड देन ही कॉल्ड आसिफ जी, एंड देन बात हुई. हम मिलने के लिए गए, आसिफ जी ने हमें एक नया ही पर्सपेक्टिव दिया. वी नेवर न्यू ऑफ SMA, स्पेशल मैरिज एक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, नहीं पता था. हिंदू मैरिज एक्ट होता है, नहीं तो निकाह होता है. स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में जब पता चला हम लोगों को, तो देन बहुत, मतलब एटलीस्ट 90% क्लियरिटी आ गई थी. वी न्यू कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या बोलना है पेरेंट्स के सामने, क्योंकि ईदर वे अगर कुछ भी रिलीजन चेंज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ईदर वे वन पार्टी विल सफर. अठारह सौ 72 में बना था पहले, और उसमें 54 में बदलाव आए, और उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, कोई भी दंपत्ति जो है, जो अपने शादी करना चाहते हैं, पुरुष और स्त्री, वो उसके अंतर्गत विवाह कर सकते हैं. धर्म और जाति से कोई लेना इसमें बिल्कुल कोई इसका मेंशन ही नहीं है कि उसमें विवाह कर सकते हैं. और ये विवाह जो है बेसिकली सिविल मैरिज होती है, जिसको कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल करवाता है, बजाय ये कि पुरोहित या कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का आदमी. और इसमें जो प्रोसेस होती है वो एक मुख्यतः बेसिकली 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है शादी के लिए जब अप्लाई करते हैं, और वो सोलमनाइजेशन मतलब शादी होने और शादी के रजिस्ट्रेशन दोनों में होता है. तो दोनों चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, जो शादी करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जिनकी हो चुकी है वो उसको रजिस्टर भी करवाते हैं. प्रोसेस वही होता है, 1 महीने का पीरियड होता है, और उसमें उनकी जो नोटिस होता है उसको मैरिज ऑफिसर के ऑफिस के बाहर लगाया जाता है. दूसरे पार्टनर अगर वो उस ज्यूरिसडिक्शन से नहीं है तो दूसरी जगह भी भेजा जाता है. दिल्ली और कुछ राज्यों को छोड़, कुछ सिटीज़ को छोड़ करके बाकी जगह जो है ये नोटिसेस घर में चले जाते हैं. उस दौरान जो है नोटिस पीरियड पे, वो आपका जो बाहर नोटिस बोर्ड होता है ऑफिस के, उस पर आपकी फ़ोटो के साथ पूरा ऐसे चिपका देते हैं, जैसे आपने वांटेड का देखा होगा, वांटेड लोगों की लिस्ट लगा देते हैं, ऐसे वो आपका फ़ोटो के साथ लगा देते हैं. अब उसमें आपके आस पड़ोस के लोग जाते हैं, किसी काम से जाएंगे उसी ऑफिस में, आपके रिश्तेदार जा सकते हैं, आपकी फैमिली वाले जा सकते हैं, तो उसको कोई भी देख सकता है. तो जैसे ही किसी ने देख लिया, आपके घर पता चल जाएगा, आपके लोगों को पता चल जाएगा. और मैं जब गया था तो मुझे इतना प्रॉब्लम था कि फिर एक दिन हम लोगों ने गए चुपके से, मैं मतलब बीच में मैं गया, और किसी तरीके से वो शीशे वाला नोटिस बोर्ड था उनका, उसमें से किसी तरीके से उसको हटाया, गिरा दिया नीचे, कि जो है उन लोगों को दिखे ना, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. अच्छा, ये डर कि कहीं ऑनर किलिंग ना हो जाए, आपके घर वालों को पता चले, पता चले मार डाले आपको. पहले तो वो यही कहेंगे कि आप जाइए, आप जा करके रिलीजियस मैरिज कर लीजिए, ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो भी उससे बचते हैं किस तरीके से, उनको लगता है कि ये कुछ
कुछ ऐसे गड़बड़ वाला मामला है जो अगर ऐसे विवाह करने आ रहे हैं, क्योंकि वो वैचारिक रूप से खुद ही नहीं तैयार हैं इस चीज़ से कि भाई माँ बाप जहाँ स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, मंजूरी नहीं दे रहे, आप क्यों कर रहे हैं, तो वो कहेंगे आप जाके धार्मिक विवाह कर लीजिए फिर उसका कर लीजिए। तो ये है। उसके अलावा कई जगह जैसे हमारा फरीदाबाद गुड़गांव में वो ये कहते हैं कि आपको तस्वीर आप अपनी नोटिस पेपर में छपाना पड़ेगा कि हम शादी कर रहे हैं विद फोटोग्राफ। यूपी में लोकल इंटेलिजेंस जाती है, वो जाके वेरिफिकेशन करती है, वो घरों में धमकाती है, बोलती है हमारी बेटी होती तो हम मार देते। तो इस किस्म की अलग अलग किस्म की प्रैक्टिसेस हैं जो कि एक तरीके से उस जोड़े को डिटर करती हैं, वो डराती हैं। और क्योंकि उनमें पहले ही इतना डर मौजूद है आजकल जो समाज में चल रहा है उसको देख करके, ऑनर क्राइम सुन करके, तो वो इसको ना चुन करके वो धार्मिक विवाह को चुनना ज़्यादा आसान समझता है और उसमें शादी करता है। तो एक सिविल मैरिज जो है जो कर सकता है उसको एक धार्मिक विवाह करना पड़ता है। कन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो भी परेशान करने वाला है कि आपको आपके जिला अधिकारी को बताना होगा, पर्टिकुलर डेट पे जाना होगा। लेकिन ये क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं जो शादियाँ कराते हैं लॉयर्स के और आर्य समाज मंदिर के निकाह वाले, ये सिंपल एक एफिडेविट पे करा के और बोल देते तुमने कन्वर्ट कर लिया, जो कि लीगली भी बहुत वेरीफाइड नहीं होता है, मतलब बहुत ऑथेंटिक नहीं होता है। तो अब हमने वो कर लिया, उसके बाद शादी कर ली, अब वो कुछ सारे ग्रुप्स नकली भी हैं पैसों के लिए, आर्य समाज का छोटा सा मंदिर बना लिया, शादियाँ करा दिया, और वो ऑलरेडी कई बार जो है आर्य समाज जो है उससे रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा ना कि अगर वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे, फैमिली अगर या कोई थर्ड पर्सन उसको कोर्ट में चैलेंज करता है, तब वो कपल बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि उनका जो लीगल एस्पेक्ट है, लीगल पॉइंट्स हैं, वो बहुत वीक होते हैं उस टाइम पे। डेफिनेटली देयर आर डीप रूटेड जेंडर इश्यूज आल्सो, बिकॉज़ इन द माइंड्स ऑफ फैमिलीज एंड द सोसाइटी, इफ अ हिंदू गर्ल हैज मैरिड अ मुस्लिम, यू आर एक्सपेक्टेड, एंड इवन इफ यू आर नॉट एक्सपेक्टेड, इट इज टेकन दैट यू हैव कन्वर्टेड. And that's how this whole concept of love jihad is emerging. In the patriarchal setup, it is generally, there are two things. One is, ladki ko to humare yahan aana hai. To wo to natural hai, theek hai. Dusra, humara beta hai. To bete ko hume haath se nahi jaane dena hai. To bete ki zid bhi hai, ya uski jo choice hai, wo bahut zyada accept kar li jaati hai. Lekin beti agar kahin aur karna chahti hai, then it becomes ke humari prestige ka issue hai. And then these honor crimes happen. People at large need to be aware and equipped and confident of their rights. And that's what we do with most of the couples who come to us. We try to give them the entire reality about the Special Marriage Act, what is the role of the police, what will the magistrate ask you, so that they are confident. We know that, you know, we can be targeted anytime. In fact, there was a fear which creeped into our group also, when a list was circulated, a fake list of couple was circulated a few days back. So this kind of fear is always there, but we know that, you know, one has to work, because united we stand. So that is the objective. To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.